इश्क तो लाजवाल होता है। यार एक सुनो, यहाँ कहाँ आ रही हो? किचन। इस तरफ तो नहीं है किचन, और हर कमरे के अंदर इंटरकॉम है। अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा हो तो उसे इस्तेमाल कर लिया करो। अब तुम यहीं खड़ी रहोगी या जाओगी भी यहां से? नींद अच्छी आई? मैं खुद बड़े अरसे बाद बहुत अच्छी नींद सोई हूँ तुम्हारे साथ। चलो उठो, ऊपर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता दूँ। नहीं, आप मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दें, वहां ऊपर आपका बेटा बैठा हुआ है, मैं नहीं जा रही। उसने कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही फजूल सी आदत है उसकी, हर वक्त अपना रोब झाड़ते रहता है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। आप एक काम क्यों नहीं करती, गला दबा देना आप मेरा, हाँ, ताकि आपके सारे मसले खत्म हो जाए। वहाँ भी मामू के घर आप हर वक्त यही कहती रहती थी, पर ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत कहो, वैसे मत कहो, इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है अम्मी? तुम्हारी जिंदगी है मेरी जान, लेकिन ये वक्त बहुत संभल कर चलने का है। तुम्हें यहाँ अपनी जगह बनानी, फिर देखना सब सही हो जाएगा। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो आप कौन सी क्लास में हो? मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ओह, कौन से सब्जेक्ट में? मेडिकल। वाओ, ओ डैड आ गए। हेलो डैड। हेलो माय डियर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हाउ इज योर ट्रिप? ट्रिप वाज गुड। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको पता मैंने आपको कितना मिस किया है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको बहुत सारा मिस किया है। वैसे आज हम डिनर पे बाहर जाने वाले हैं, राइट? बिल्कुल चलेंगे। और परीक्षा भी आज से हमारे साथ रहेगी। आप उसका रूम बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करवाएगा जैसे मेरा रूम। वो मेहमान है, वो थोड़े दिन बाद चली जाएगी। अच्छी लग रही है। कैसी रही आपकी मीटिंग? गुड, डेवलपमेंट अच्छी है। कहीं जा रही हो? नहीं। आपके लिए तैयार हूँ। Really? कॉफी बनाओ? नहीं, सानिया ने कहा है कि आज रात डिनर पे जाना, तो तैयार हो जाओ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। मैं हारिस और परी को भी बता देती हूँ। परी क्यों जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? ये हमारा फैमिली डिनर है, परी का क्या काम?
लेकिन खबर मैं उसे अकेला यहाँ कैसे छोड़कर जाऊँ? नूरी है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन अगर वो हमारे साथ जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसका भी मुझ पर हक है, माँ हूँ मैं उसकी। तुम उसे यहाँ बुलाकर पहले ही गलती कर चुकी हो, अब मजीद कोई हमाकत मत करना। भाभी बेगम के बड़ेपन का लिहाज ना होता तुम्हारी बेटी यहाँ कभी नहीं आ सकती थी। हाँ, मैं आज ही आया वापस। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके ओके। डैड, वो भाई कह रहे हैं कि अगर परीक्षा जाएगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। भाई से को तैयार हूँ, परीक्षा नहीं जा रहे। ओके। देखा तुमने, परीक्षा के यहां आने से मेरे बच्चों में डिस्टेंस हो रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं, और मैं ये नहीं चाहता। नूरी, अम्मी लोग कहाँ हैं? वो तो जी सब बाहर डिनर पे गए हुए। डिनर? लेकिन अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। अरे परी बीबी, बीबी जी क्या करें, वो तो मजबूर है। दूसरी बार की शादी कोई आसान नहीं होती। मुझे कह गई थी कि मैं आपको खाना दे दूं। मुझे नहीं खाना। अरे परी बीबी, खाने को मना नहीं करते, ये तो नेमत होती है। हमसे पूछें, इस पेट के लिए सुबह से शाम तक हम कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप आई, मैं आपके साथ ही बैठती हूँ। तुम ये मुझे बताओगे तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तुम इंटरव्यू की बात कर रहे हो, मुझे तो जॉब भी मिल गई। ग्रेट, सच में? भाई तुम तो बड़ी लकी निकली हो। हाँ, हार मानना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। और तुम्हें पता है क्या, इतना अमेजिंग सैलरी पैकेज है और पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं, और साथ ऑफिस तो इतना ही कोई हसीन है ना, इतना अमेजिंग, तुम सोच भी नहीं सकते। मुबारक हो, इसका मतलब तुम जैसी जॉब चाहती थी तुम्हें बिल्कुल वैसी जॉब मिल गई। ग्रेट। और तुम्हें पता है क्या, हमारा जो सीईओ है ना, ही सो हैंडसम, उमेर जाहिद नाम है, और उसके पास एक स्पोर्ट्स कार भी है, और जैसे ही वो ऑफिस में एंटर होता है सब उसको आंखें भर भर के ऐसे देखते हैं। और सबसे जो मजे की बात है ना साथ, वो ये है कि अच्छा बस 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 शहजाद, इतनी तारीफ मत करो उसकी। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं जेलस हो रहा हूँ, तुम इतनी देर से अपने उस बॉस मतलब उमेर जाहिद की अचीवमेंट्स गिनवा रही हो मुझे। हाँ, तो तुम्हें होना भी चाहिए। तुम जो हो अपनी हाउस जॉब कंप्लीट ही नहीं कर चुके रहे हो, और वो बंदा, उसने तो दुनिया फतेह कर ली। हाँ भाई, मैं तो एक बहुत छोटा सा गरीब सा डॉक्टर, और वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। फर्क तो होगा ना? कसम से साथ, जिंदगी तो उन लोगों की है जो जमीन पर रहते हुए भी हवाओं में रहते हैं। अच्छा, फिलहाल तुम जमीन पर आ जाओ, और मुझ गरीब से भी कुछ बात कर लो, मेरे बारे में पूछ लो कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ, ऑफिस कैसा चल रहा है मेरा, मतलब कुछ मेरे बारे में बात करो यार। अच्छा बताओ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? हाँ, ये भी ना बात। कैसी है मेरी बच्ची? सभा के जाने से इतनी उदासी नहीं हुई थी जितनी तेरे जाने से हो रही है। मैं तो बहुत घबरा गया बच्चिया। मैं तेरे कमरे में चला गया, तेरी चीजों को देखता रहा, इधर उधर करता रहा,
बेटा देख, मैंने कहा फौरन अपनी बच्ची से बात करता हूँ मैं, मैंने अपना वादा पूरा किया ना। आप बहुत अच्छे हैं नाना, लेकिन आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? क्यों परी? बेटा मेरी जान, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? नाना अबू मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पूरे घर में अकेली हूँ, सिर्फ नूर ही है मेरे पास। क्यों, ये सब कहाँ है? सबा कहाँ है? बाबा महमूद, वो पावर अंकल वापस आ गए ना, तो वो लोग सब फैमिली डिनर पे गए, मैं उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ ना, तो इसलिए। बेटा ऐसा नहीं कहते, सभा को आने दो, मैं उससे बात करूंगा, वो तेरा ख्याल रखेगी बेटा। नहीं नाना अबू, अब वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है, हारिस और सानिया की भी माँ। खबर अंकल अपनी बेटी से कह रहे थे कि परी की जगह सिर्फ गेस्ट रूम है, क्योंकि क्योंकि वो यहाँ मेहमान है। दादा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? परी की याद आ रही थी बस, इसलिए उसके कमरे में आ गया। बस इतनी सी बात? मुझे कह देते हैं, चले मैं आपकी बात करवा देता हूँ उससे, आप बात करें उससे। नहीं, नहीं, मेरी बात हो चुकी है उससे। क्या हुआ दादा जान, आप डिप्रेस लग रहे हैं, कोई बात है बताइए मुझे। बेटी की बेटी का दुख सहना इतना आसान नहीं होता साहब। दादा जान, परी की वजह से आप परेशान हैं, परी ठीक तो है ना? परी वहां उस घर में अकेली है, खौफज़दा है, डर रही है। खबर अपनी फैमिली को लेकर डिनर पर गया हो। परी को अकेला घर में छोड़ दिया, ये कैसा तरीका है? दादा जान परी कितना खाना खा लेती, मेहमान ही समझ के ले जाते उसे, और फूफा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन जब खबर साहब की बेटी को अकेले छोड़कर आई थी तब तो बड़े पोजेसिव हो रहे थे, अब परी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। हाँ तो होती है। अच्छा परेशान मत हो, मैं जाता हूँ उसके पास, पप्पू आएंगे मैं आ जाऊंगा। सही? नहीं नहीं, मैं जाने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों जाने की जरूरत नहीं है, परी वहां अकेली है घर पे। खबर तो गैर है, रियाना तो सगी है अपनी, उसने परी पर इल्जाम लगाया, हमने क्या किया? कुछ नहीं। अब क्या तुम अपनी माँ का लगाया हुआ इल्जाम सच करने जाओगे वहां? दादा जान अगर अम्मी गलत हैं, क्या हम सब उसे गलत समझ के अकेला छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। छोड़ दो उसे, ये जंग लड़ ले दो,
यतीम को इससे ज्यादा बहादुर और मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार यतीम की कफालत पर जोर दिया है। मैं तो डरता हूँ, मैं उस वक्त से डरता हूँ जब मेरी पकड़ होगी। सानी तो मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। अल्लाह डैड देखे ना भाई, मुझे हमेशा तंग करता है, तो मुझे खेलने भी नहीं दे रहे। इसको बुली क्यों कर रहे? अल्लाह मुझे बताओ, मैं बताता हूँ इसको कि गेम क्या होती है। डैड हम हमेशा सानिया की साइड लेते हैं। तो क्यों ना लूं, मेरी बेटी है। रेडी? जी देखना आप, चलो। ए स्टिल डैड बहुत अच्छा। अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो, पकड़ो ये ले। गेम खत्म हो गई आप लोगों की? आप चले, हम लोग आ रहे हैं, मैं जरा इसको सीधा करके आऊं। अच्छा चलें, जल्दी आ जाइएगा, ठंडे हो जाएंगे वरना। रेडी? ओके डन। देखा, सी सी आज तो पराठा बनता है, लेट्स गो। आ जाओ। नहीं करना मुझे आपके हाथों का नाश्ता। जाएं जाके अपने बच्चों और शौहर को नाश्ते कराएं। कल रात को तो आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। मैं तुम्हें रात को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती थी, मगर मेरी जान खावर ने मना किया। प्लीज मेरी मजबूरियों को समझो। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए आलू का और कीमे का पराठा बनाया है। तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ का बना हुआ पराठा? और खुदा जानता है परी, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। जाए अम्मी, आपका इंतजार हो रहा होगा नाश्ते पर। और वैसे भी जिन बच्चों की माएं दूसरी शादियां कर लेती है ना, उनको इस चीजों की आदत होनी चाहिए। जी बाजी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान छुटी उससे। कसम से आपने और शिजाना ने मेरी आंखें खोल दी, वरना वो परी पता नहीं कब तक मुझे बेवकूफ बनाती रहती है ऐसे। हाँ अच्छा ये बताओ कि फरासत चचा तो बहुत नाराज होंगे ना? उनकी लाडली नवासी को तुमने दरबदर जो कर दिया। दरबदर कहाँ किया है बाजी, सही समत का रास्ता दिखाया है मैंने। बस अब्बा जान थोड़े से अपसेट है, चुप है, बस मुझे कुछ नहीं कह रहे। किसी की सुनने की जरूरत भी नहीं है। अगर सारी जिंदगी ससुराल की सुनोगी तो अपनी मर्जी कब करोगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब तो बस एक ही अरमान है कि जल्द अज जल्द साथ की जॉब हो जाए, तो मैं शिजा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं और उनके बच्चों की खुशियां देखूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। देखो जिन जिन की नजरें लगी हुई थी ना शिजा और साथ पर, वो कांटे तो रास्ते से हट गए। अब खुशियां मनाने की तैयारी करो। अल्लाह पाक जो भी करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे। आमीन आमीन। अच्छा पाजी, कोई आया है बाहर, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। साथ साथ खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मुझे भूख नहीं है। क्यों, ऐसा क्या खा लिया तुमने जो भूख नहीं लग रही तुम्हें? और आज सारा छुट्टी का दिन भी तुमने बाहर ही गुजार दिया, कहाँ गए थे अब्बा जी को लेकर? दादा जान को उनके दोस्त के घर लेकर गया था। घर में बैठे बैठे डिप्रेस होते जा रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी उनकी। आपको आइडिया है कि वो रात भर नहीं सोए? अच्छा तो इस बात पर मूड ऑफ है जनाब का। अरे मैं उनके खाने का ख्याल रखती हूँ, वक्त पर दवा देती हूँ मैं उन्हें, और इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? 24 घंटे उनके सराहने तो नहीं बैठ सकती ना, और वैसे भी इस उम्र में सिर्फ 2-4 घंटे ही नींद आती है। मैं कब कह रहा हूँ कि आप उनके सराहने बैठे रहे? लेकिन अम्मी आपको अच्छी तरह पता है कि वो परेशान किस बात पर है। सीधा सीधा परी का नाम क्यों नहीं लेते? अब्बा जी को बुनियाद बनाकर क्यों बात कर रहे हो? मैं किसी को बुनियाद नहीं बना रहा, मैं सिर्फ सीधी सी बात कर रहा हूँ आपसे। आपने परी को वहाँ पे जबरदस्ती भेज दिया है, वहाँ पे वो कभी एडजस्ट नहीं हो सकती। जब सबा एडजस्ट हो सकती है ना तो परी भी एडजस्ट हो सकती है। सबा खावर साहब की बीवी है, ये बात क्यों भूल रही हैं आप?
आपने क्यों परी को वहां पे जबरदस्ती भेजा? बिन बुलाए मेहमान की कहीं जगह नहीं बनती। यकीनन ये सब तुमसे परी ने फोन करके कहा होगा। वो छटांग भर की लड़की को ना पूरी अकल है कि कब किस पर जाल फेंकना है। आप बात को अलग रंग दे रही हैं। और रही बात परी की तो मुझसे बात तक नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक कर रही। और तुम भी उसे बात करना छोड़ दो आप, क्योंकि मुझे अपने घर में सुकून चाहिए और बस। ये वाला ड्रेस कैसा है? ये भी अच्छा है, इसका कलर अच्छा है वैसे। और एक और मेरे पास ऑप्शन था इसमें, हाँ ये वाला, ये ग्रीन। ग्रीन इतना अच्छा नहीं लग रहा, वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा था, ठीक है फिर वही देखते हैं। ओ मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, ट्यूशन का टाइम हो गया, काश मैं आपको और कंपनी दे सकती। कोई बात नहीं, तुम जाओ। हाफिज़। तुम्हें कॉफी बनाना आती है? जी। तुम मुझे कॉफी बना दोगी? मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा कॉफी बनाती हो। बना दूंगी, थोड़ी सी जगह मिलेगी बाहर जाने के लिए। थैंक यू। दिल कर रहा है तुमसे सचमुच नाराज हो जाऊंगी। क्यों? अब क्या किया मैंने? क्या मतलब क्या कर दिया शजा? जब से तुम्हारी जॉब लगी है तब से मुझे भूलती जा रही हो। कल रात भर तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहा और तुमने मुझे वेट का साइन दिखाकर खुद गायब हो गई और मैं सारी रात जागता। I'm so sorry साद, पता है क्या हुआ? उमेर जाहिद के साथ एक नए एड के सिलसिले में मेरी मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें वेट का साइन दे दिया था, लेकिन उसके बाद मैं खुद सो गई। क्या मतलब है शजा? तुम ऑफिस टाइमिंग के बाद भी उस उमेर के साथ एंगेज रहती हो, क्या मतलब इस बात का? और कैसी जॉब है ये? कमॉन साद, अब तुम ओवरली पोसेसिव हो रहे हो, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि ये मीडिया के जॉब्स में कोई 9 to 5 का चक्कर नहीं होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड, मगर तुम शायद भूलती जा रही हो कि हम कजन्स होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है। और जो वक्त तुम्हें मेरे साथ गुजारना चाहिए वो वक्त तुम अपने काम के नाम पे उस उमेर जाहिद के साथ शेयर कर रही है। साथ तुम्हें पता है कि मेरी नई नई जॉब है और फिर मुझे अपना एक इम्प्रेशन भी तो जमाना है ना अच्छा सा इन लोगों पर, और वैसे भी आजकल यही प्रोफेशनलिज्म होता है। ओके फाइन शिजा, मगर प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में तुम उमेर जाहिद को इम्प्रेस करते करते ये मत भूल जाना कि मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या कुछ पर्सनल है। क्यों खड़ी हो करी? ऊपर क्यों नहीं आई? यहीं देखू मैं। अच्छा चलो चेंज करो, शॉपिंग पे चलते हैं। मैंने आपको कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों हर वक्त नाना करती रहती हो? कल परसों से तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, तुम्हें कपड़े नहीं चाहिए कुछ पहनने के लिए? जो कपड़े मेरे पास है मैं वही पहन के चले जाऊंगी। ये घर आपके शौहर का है, पैसे भी आपके शौहर के। एक सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे पास, उसे रहने दे। मैं तुम्हें अपने पैसों से शॉपिंग कराना चाहती हूँ, अपने पैसों से, मेरे अपने पैसे।
कुछ सेविंग की हुई थी मैंने, उन पैसों से शॉपिंग कराना चाहती हूँ मैं तुम्हें। अब सोच क्या रही चलो, अरे क्या तुम नहीं चाहती कि मैं थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ घूमूं, फिर एंजॉय करूं, तुम्हें पसंद की चीजें दिलूं? ठीक है जहां खावर के आगे मैं मजबूर हूं, मेरी मजबूरी समझ आया करो, लेकिन जहां मैं अपनी खुशी से कुछ करना चाहूं इनकार मत किया करो। ठीक है मैं चेंज करके आती हूं। तो खरीद लो ना। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। क्यों कर रही? अगर आप मुझे शॉपिंग करा दी तो आपके मियाँ तो नाराज हो जाएंगे ना आपसे। अरे मैं यही कर सकती हूँ मेरी जान। अभी आप मुझे सब कुछ खिला दें, बहुत दुख लगता है। फिर कुछ शॉपिंग करोगी ना? हाँ देखते हैं। सनी बेबी ठीक है? निर्जय मैं हारिस बाबा को भी बुला के लाती हूँ। हारिस बाबा। हाँ यार वो रात को इवेंट है, मिलते हैं ना वहाँ रात को, मजा आएगा, चलते हैं। यार एक सेकंड वेट करना। जी यार सुन मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ एक सेकंड। ओके हारिस बाबा, सानी बेबी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत उल्टियाँ होने हो रही है, बिल्कुल निढाल हो चुकी है वो। मॉम किधर है? वो तो परी बीबी के साथ शॉपिंग पर गई हुई है। तुम ऊपर जाओ, मैं डैड को फोन कर रहा हूँ। जी अच्छा। हेलो डैड, डैड सानिया की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मॉम घर पे भी नहीं है। डैड मुझे नूरी बता रही थी कि मॉम परी को शॉपिंग लेके गई है। मैंने तो नोटिस किया कि जब से परी आई है मॉम सानिया को बहुत इग्नोर कर रही हैं। डैड मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मगर सानिया तो बच्ची है, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाए। आई कैन टेक केयर ऑफ दिस माई सेल्फ, शी इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। काम डाउन हारिस, आ रहा हूँ मैं। तुम डॉक्टर रजा को फोन करो, मैं सीधा पहुंच रहा हूं। ओके डैड, हाफिज़। इज एवरीथिंग ऑल राइट सर? हाँ, वो छुट्टी की जरूरत, तबीयत सही नहीं। वी विल कैरी दिस ऑन, मैं कॉल करूंगा आपको। ओके सर। यहीं पे ही कुछ खा लेते हैं, है ना? अम्मी आप यहाँ बैठे, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। तो वो ऑर्डर कर देते ना, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास पैसे हैं, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है।
अरे मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, चलो घर चलते हैं। आओगे अम्मी, इतनी परेशान क्यों हैं आप? खबर की 4 मिस्ड कॉल्स लगी हुई हैं, पहली बार तुम्हारे साथ निकली हूँ और फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं अटेंड करते, चलते हैं। तो आप घर फोन कर लें। हाँ नूरी से पूछती हूँ। सानी बीबी, सानी बीबी, नूरी खबर साहब आए हैं क्या घर पे? बीबी जी सानी बीबी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, स्कूल से जब से आई उल्टियाँ कर रही है। मैं भी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। सानिया बहुत ज्यादा उल्टियाँ कर रही है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। चलो घर चलते हैं, आ जाओ। हाँ मैं तुम्हें दोबारा लेकर आऊंगी, आ जाओ अभी घर चलते हैं। सानी बीबी थोड़ा सा पानी पी लो आप। नहीं थोड़ा सा पी लो। नहीं शाबाश, शाबाश, थोड़ा सा, थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा और। अच्छा आराम करें, लेट जाए, लेट जाए। अभी साहब आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहता था अपनी बेटी को इस घर में मत लेकर आओ, अपनी बेटी के सामने सुतेली बेटी का कौन ख्याल करेगा? लेकिन वो सुबह बिल्कुल ठीक थी, नाश्ता भी ठीक से करके गई थी खबर। तो फिर तुमने उसके लंच बॉक्स में क्या ऐसा रख दिया जो उसकी ये हालत हो गई है? तो आपको क्या लगता है मैं उसे नाश्ता ठीक से नहीं देती, खाना ठीक से नहीं देती? मुझे क्या पता, मैं तो समझता था कि तुम मेरे से ज्यादा उसका ख्याल रखोगी। खबर डॉक्टर रजा रास्ते में, वो कह रहे हैं ड्रिप लगेगी, ठीक हो जाएगी, आप परेशान। इसका बुखार देखा, ड्रिप से ठीक हो जाएगी है? उठो, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और मैं इसका लंच बॉक्स भी एग्जामिन कर रहा हूँ, चलो। खबर नूरी साथ आओ मेरे। नूरी को क्यों लेकर जा रहे हैं, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। बस इतना याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना सवा तो तुम्हारी बेटी भी यहां से जाएगी और तुम तलाक लेकर। ट्रिप लगेगी, ठीक हो जाएगी, आप परेशान। इसका बुखार देखा, ट्रिप से ठीक हो जाएगी है? मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और मैं इसका लंच बॉक्स भी एग्जामिन कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना सवा तो तुम्हारी बेटी भी यहाँ से जाएगी और तुम भी तलाक लेकर। केक रखा था फ्रिज में मैंने, अभी नहीं है, कहाँ गया? मैं इतनी परेशान हूँ, तुम्हें केक की पड़ी है? खबर मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे ना मुझे फोन कर रहे। तो मैंने तो नहीं कहा था आपको कि मुझे शॉपिंग पे लेके जाएं, अपनी बेटी सानिया को यहाँ अकेला छोड़े। सही कह रही हो, मेरी ही गलती है जब मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट, किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करती आप, सिर्फ इस घर के लोगों को खुश रखने की कोशिश करती हैं। अरे आप तो अपनी मियाँ से इतना डरती हैं कि उनके सामने मेरे कमरे में नहीं आती, मुझसे बात नहीं करती, कोई मेहमान आ जाए तो बिल्कुल अजनबी बन जाती।
और अभी अपनी ही बेटी सानिया के लिए रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रही है। हाँ तो कर रही हूँ दुआ, कर रही हूँ दुआ, दुआ ना करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि इस घर के अलावा ना तो मेरे पास कोई ठिकाना है ना तुम्हारे पास। तुम्हारे मामू मामानी तो रखने के लिए तैयार नहीं, सोचो यहाँ से निकलूंगी तो कहाँ जाऊंगी? खबर एक छोड़ देगा दस मिल जाएंगी, मर्द है वो। लेकिन इस माशरे में औरत को जीने के लिए मर्द का सहारा और उसका नाम चाहिए होता है। ये बात तो आपको सोचनी चाहिए ना, पैदा तो आपने किया है। सही कह रही हूँ, मैंने पैदा किया है तो सोचना भी मुझे ही चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया यतीम के सर पर हाथ तो नहीं रखती लेकिन उसके सर से चादर भी खींच लेती है। तुम बस ये दुआ करो कि चादर ना उतरे। तोला जवान होता।